अभी हम हैं पौंडीचेरी के एक कैफे में और इस कैफे का नाम है कैफे दिस आर्ट एंड दे हैव ब्यूटीफुल वीडियोग्राफी। सब जब भी पौंडीचेरी के पिक्चर्स देखते हो ना, सारे लोग यहाँ पे आके जो पिक्चर्स क्लिक करते हैं, दिस इज द स्पॉट एंड दिस इज द कैफे। अभी हम हैं वाइट टाउन एरिया में। ये जो है ये एक्चुअली फ्रिंच का बसाया हुआ टाउन है जो लोग बोलते हैं, और यहाँ पे बहुत सारे कैफेज हैं जो लोग इंजॉय करने के लिए आते हैं। सो इसके पहले हम थे कैफे दिस आर्ट्स में और अभी हम आए हैं होप कैफे। ये वाला भी अगर आपने ग्राफिटी काफ़ी सारे इंस्टाग्राम में देखा होगा। Let's see. It's not open, huh? That is not open. Not open? No, no, no. 11? Okay. पार्किंग एक्चुअली इस साइड ना होकर इस साइड होना चाहिए था, तो पिक्चर्स वगैरह क्लिक करना है, वीडियो लेना है, तो इस तरफ पूरा क्लियर होता। पार्किंग का सिस्टम यह है कि राइट हैंड साइड में आप पार्क कर सकते हो और लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा आपको नो पार्किंग का बोर्ड दिखेगा। और एक पोर्ट हाउस है प्रोमेनेड बीच के पास, वहाँ पे पूरा पार्किंग लॉट में वो लोग कन्वर्ट किया है, तो वहाँ पे आप जाकर पार्क कर सकते हो, विच इज़ 20 rupees पर आवर, एडिशनल 2 rupees एक्स्ट्रा आवर्स के लिए, तो इट्स वेरी चीप। तो आप वहाँ पे आराम से पार्क करके पूरा घूम सकते हो। अभी हम आ गए हैं प्रोमेनाड बीच पे और यहाँ पे इस साइड पे सी है और इस साइड पे सारे कैफेज हैं। तो अगर आपको अच्छा वाला व्यू चाहिए और उसके साथ अच्छा वाला फूड चाहिए तो आप यहाँ पे आ सकते हो। होपफुली खाना अच्छा होगा क्योंकि यहाँ पे तो सारे के सारे रेस्टोरेंट्स का रेटिंग बहुत अच्छा है। सो नाइस एंड लुक एट द सी, अभी आज के टाइम में पूरा ब्लू हो गया है। वाओ, अभी पूरा सनी डे है तो इसलिए पूरा का पूरा जो ओशन है, सी है, नॉट ओशन, सी है, वो पूरा का पूरा ब्लू दिख रहा है एंड ब्यूटीफुल टर्कोइश वाटर। सो लेट्स गो। गाइस अभी हम हैं प्रोमेनाड बीच पे और अभी कोई नहीं है, इधर पे एक कपल दिख रहा है और इस साइड तो कोई भी नहीं है दूर दूर तक। तो हमने सोचा कुछ देर यहाँ पे क्यों ना बैठ जाया जाए और थोड़ा सा बीच इंजॉय किया जाए, बीच तो नहीं बेसिकली सी इंजॉय किया जाए। अभी हम जा रहे हैं ओरोविल। सो ओरोविल जो है ये पौंडीचेरी से करीबन 15 से 20 मिनट की डिस्टेंस पे है और यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं देखने के लिए, जैसे कि यहाँ का एक मैत्री टेम्पल है, बीच और एग्जीबिशन सेंटर है जहाँ पे हैंडीक्राफ्ट वगैरह आपको मिल जाता है, अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो यू कैन बाय दोज थिंग्स। और जो लास्ट है वो है टेंटोस। सो वहाँ पे एक टेंटोस बोल के एक रेस्टोरेंट है जहाँ का पिज्ज़ा इज़ वेरी नाइस एंड वेरी फेमस, आई हैव हर्ड इट, ठीक है, हमने भी कभी खाया नहीं है। सो आज हम वहाँ जाएंगे और वहाँ जाके लंच करने वाले हैं। Very few people sitting here, but the view is ultimate.
the coconut trees and the blue waters. और अभी हम हैं सेरेंटी बीच पे, और ये जो है ये पुडुचेरी के अंदर नहीं पड़ता है, ये बेसिकली तमिलनाडु के अंदर है। इट्स अ ब्यूटीफुल बीच। अगर आपको यहाँ आने के बाद अगर इन्जॉय करना है पांडिचेरी में बीच, तो आपको यहीं आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ भी आपको सैंड मिलेगी और सी भी साथ में। सो लेट्स इन्जॉय। Awesome, beautiful beach. यहाँ पे सर्फिंग भी होता है, देखो लोग वहाँ पे गए हैं। You can come in the morning and surf here. यहाँ पे सर्फिंग का सब कुछ मिल जाता है। I like this beach more than Promenade Beach. Because Promenade Beach में you can only see the sea, but you cannot go towards the sea. वहाँ पे बोल्डर्स लगे हुए हैं तो आप नीचे नहीं जा सकते, बट यहाँ पे यू कैन एंजॉय द सी, यू कैन एंजॉय द ब्रीज, यू कैन एंजॉय द सनसेट, तो ये बहुत अच्छा है। एंड बहुत सारे लोग हैं, मुझे लगा नहीं था कि इतने सारे लोग होंगे, लॉकडाउन का टाइम है, बट आई थिंक यहाँ पे ज़्यादातर तो लोकल ही है। यहाँ पे जैसे ये एक लड़कों का ग्रुप है जो कि लोकल ही है, टूरिस्ट नहीं है। टूरिस्ट के नाम पे आई थिंक मैं हूँ और कुछ लोग होंगे जो दो चार लोग होंगे, वरना लगता नहीं है कि कोई हमारी तरह इतनी क्रेजी वाली जर्नी करने निकला है वो भी इस टाइम पे। अभी हम जा रहे हैं पैराडाइज बीच। तो यहाँ जाने के दो तरीके, एक आप अपनी कार से जा सकते हो और दूसरा ऑप्शन है कि आप बोट ले सकते हो जो कि आपको बैक वाटर से लेके जाती है। एंड इट्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत सारे लोग करते हैं, बट हमारे पास टाइम नहीं है। अभी बज रहे हैं 5 और हम अभी सो के जस्ट उठे, तो हम थोड़े ज़्यादा ही लेट हैं, इसलिए हम जाएंगे बाय कार। सो जो टोटल डिस्टेंस है वो है 30 मिनट का और 15 किलोमीटर की जर्नी होगी। तो होपफुली सनसेट से पहले हम वहाँ पहुँच जाएं और थोड़ा उजाला हो तो अच्छा रहेगा। इट्स अ ब्यूटीफुल बीच और काफी सारी फैमिलीज दिख रही हैं, और यहाँ पे एक्चुअली रिजॉर्ट काफी सारे हैं, तो आई थिंक यहाँ पे जो लोग आते हैं ना वो यहाँ जो रिजॉर्ट में रहते हैं वही आते हैं। बाहर से तो कम लग रहा है कि पांडिचेरी से टूरिस्ट यहाँ आता हो, क्योंकि काफी डिस्टेंस है, बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस है। तो यहाँ का जो समुंदर है ये इतना वायलेंट नहीं है, ओरोविल में वेव्स काफ़ी ज़्यादा थे और रॉक बीच के तो बात अलग ही है, वहाँ पे तो जा ही नहीं सकते, बट यहाँ पे बहुत सारे फैमिलीज दिख रहे हैं, वेव्स भी बहुत ही मॉडरेट है, तो यू कैन स्ट्रोल, यू कैन वॉक अराउंड, यू कैन टेक अ बाथ, ये बहुत सेफ है। तो इट्स द सेफेस्ट बीच इन पांडिचेरी।